हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेगमाटाइट। पेगमाटाइट क्या है? एक इग्नियस रॉक है जो कि हमारा 12th का सिलेबस में है। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रेनाइट के ऊपर देख लिया था, तो आज अब देखेंगे हम पेगमाटाइट के ऊपर जो कि एक रॉक है। अब उसका नेचर देखते हैं। नेचर क्या है? एसिडिक है और प्लूटोनिक है। अब एसिडिक मीन्स ये इसका सिलिका परसेंटेज क्या है? मोर देन 65 है। अब प्लूटोनिक मीन्स ये ग्रेटर डेप्थ में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इंट्रूसिव रॉक है। रॉक को हमने क्लासिफाई किया था इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अब एक्सट्रूसिव जिसको ही उसी को ही हम बोल रहे थे वोल्कानिक, बट इंट्रूसिव को हम दो टाइप में क्लासिफाई किया था, हाइपरबेशल एंड प्लूटोनिक। हाइपरबेशल जो मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे या फिर शैलो डेप्थ में जो रॉक फॉर्म हो रहा है 2 किलोमीटर के अंदर, उसे ही हम बोल रहे थे हाइपरबेशल। बट इन केस ऑफ प्लूटोनिक ये जो हो रहा है फॉर्म रॉक, वो 20 किलोमीटर के बाद हो रहा है। मीन्स ये कहीं ना कहीं ग्रेटर डेप्थ में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो पेगमाटाइट क्या है? उसका नेचर हमने देखा एसिडिक है। एसिडिक मीन्स सिलिका का परसेंट 65% से ज़्यादा है। अब एसिडिक को हमने क्लासिफाई किया था, मतलब इग्नियस रॉक को हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका परसेंटेज। एसिडिक बेसिक, अल्ट्रा बेसिक, इंटरमीडिएट, इस टाइप में हमने क्लासिफाई किया था। वहाँ पर हमने सिलिका का परसेंटेज डिफाइन किया था, ठीक है। इतना मतलब कितना अमाउंट से कितना अमाउंट में सिलिका रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर एसिडिक मीन्स 65 से ज़्यादा रहेगा सिलिका, एंड प्लूटोनिक मीन्स ये 20 किलोमीटर के बाद फॉर्म होगा, मतलब डेप्थ में। ऑब्वियसली इंट्रूसिव रॉक है। अब इसका कलर इंडेक्स देखते हैं। कलर इंडेक्स इसका जो ल्यूकोक्रैटिक, ल्यूकोक्रैटिक मीन्स ये लाइट कलर। अब कलर इंडेक्स को भी हमने क्लासिफाई किया था या फिर क्लासिफिकेशन में हम देखा था, कलर इंडेक्स के बेसिस पे भी हमने तीन टाइप में क्लासिफाई किया था, ल्यूकोक्रैटिक, मेजोक्रैटिक और मेलानोक्रैटिक, ओके। और एक था हमारे पास हाइपर मेलानोक्रैटिक। ये सब हमने क्लासिफाई कर लिया था, तो सीधा हम बोलते हैं ल्यूकोक्रैटिक जो कि लाइट कलर है। तो यहाँ पर मतलब क्लासिफिकेशन के अंदर अभी हम नहीं जाते हैं, ठीक है। तब टेक्सचर इसका देखेंगे पेगमाटाइट का, तो टेक्सचर हमें दिखेगा होलो क्रिस्टलाइन, ठीक है। टेक्सचर इसका कैसा रहेगा? होलो क्रिस्टलाइन, मतलब अब ये टर्म आ रहा है होलो क्रिस्टलाइन मीन्स होली ऑफ क्रिस्टल रहेगा जो भी रॉक रहेगा। ऑब्वियसली प्लूटोनिक डेप्थ में फॉर्म हो रहा है, हमने अभी बोला कहीं ना कहीं ये 20 किलोमीटर के बाद जाके फॉर्म हो रहा है, ठीक है। 20 किलोमीटर के बाद फॉर्म होगा, उसे ही हम बोल रहे हैं प्लूटोनिक। अब प्लूटोनिक रॉक मीन्स बहुत ग्रेटर डेप्थ में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। डेप्थ जो है बहुत ग्रेटर है। अब डेप्थ अगर ग्रेटर है तो इसको ऑब्वियसली मतलब कूलिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन होने के लिए मतलब सफिशियंट टाइम मिलेगा। बहुत स्लो रेट ऑफ कूलिंग होगा। स्लो रेट कूलिंग होगा तो ऑब्वियसली उसमें जो भी क्रिस्टल रहेंगे वो ग्रो करेंगे, और ऑब्वियसली उसमें जो भी ग्रेन रहेंगे वो भी ग्रो करेंगे। इसीलिए यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा होलो क्रिस्टलाइन, मतलब होली ऑफ क्रिस्टल रहेगा। उसका जब बात करते हैं ग्रैनुलैरिटी का, तो इसका टेक्सचर में जब हम देखते हैं ग्रैनुलैरिटी, तो कोर्स ग्रेन दिखाएगा। कोर्स ग्रेन भी कैसा? वेरी कोर्स ग्रेन, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें कोर्स ग्रेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका क्रिस्टल का साइज, शेप का मतलब शेप का अगर बात करेंगे तो सब हेडल टू अनहेडल। अब सब हेडल क्या है? जहां पर क्रिस्टल जो भी फेस रहेंगे वो इंटरमीडिएट लेवल में डेवलप होंगे, और अनहेडल मीन्स ये बिल्कुल ही डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी कंडीशन में हम इसे बोले सब हेडल टू अनहेडल। मीन्स यहाँ पर जो क्रिस्टल के फेसेस रहेंगे आइदर वो पार्शियली डेवलप रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई क्रिस्टल में फोर फेसेस है, ठीक है, ये क्रिस्टल इसमें फोर फेसेस है, इसमें रहना चाहिए, मतलब क्रिस्टल में फोर फेसेस रहना चाहिए। बट इन केस ऑफ पेगमाटाइट सबहेडल और अनहेडल हम बोले रेंजिंग कर रहा है। मीन्स ये है, हम इसे बोल रहे हैं यूहेड्रल, ठीक है। बट यहाँ पर बात हो रहा है सबहेडल का। मीन्स अगर फोर फेस से तीन फेस तो डेवलप है वेल, बट एक फेस डेवलप नहीं है, इरेगुलर है, तो इसे ही हम बोल रहे हैं सबहेडल कंडीशन, ओके। और अनहेडल मीन्स यहाँ पर एक भी फेस वेल डेवलप नहीं है, ठीक है, इसे ही हम बोल रहे हैं अनहेडल। तो यहाँ पर ये रेंजेस कहाँ से करेगा? सबहेडल टू अनहेड्रल, ओके। ये था इसका मतलब क्रिस्टल का शेप के ऊपर। और इसका अगर मतलब इंडिविजुअल जो क्रिस्टल का उसका अगर रिलेशनशिप देखेंगे तो रहेगा इनइक्विग्रैनुलर, मीन्स इक्वालिटी नहीं दिखाएगा। कोई क्रिस्टल जो बड़ा रहेगा कोई छोटा रहेगा, मतलब क्रिस्टल में इक्वल साइज नहीं दिखाएगा। दैट्स व्हाई तो हम इसे बोल रहे हैं इनइक्विग्रैनुलर, ठीक है। मतलब उसका जो ग्रेन रहेगा या फिर क्रिस्टल रहेगा उसमें मतलब साइज में सिमिलरिटी नहीं देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली कोई बड़ा रहेगा कोई छोटा रहेगा, मतलब वेरिएशन आने ही वाला है। दैट्स व्हाई इसको हम बोल रहे हैं इनइक्विग्रैनुलर। और पेगमाटाइट का जो टेक्सचर रहेगा उसमें इस टाइप का नेचर मिलेगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर बात करते हैं पेगमाटाइट का स्ट्रक्चर का, तो ये आपको जोन स्ट्रक्चर दिखाएगा। अब जोन स्ट्रक्चर क्या है? जब भी हम बात करते हैं 52 रिएक्शन सीरीज का, जो कि आपका 12th का सिलेबस में नहीं है, बट हाँ मैं बता देता हूँ, जब भी मैग्मा क्रिस्टलाइज होता है उसका भी कुछ एक कंडीशन रहता है, मतलब एक हमको सीरीज मिलता है, इसे हम बोल रहे हैं 52 रिएक्शन सीरीज, ओके। ये इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस, इसको कंटिन्यूस सीरीज, ओके। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब जब कंटिन्यूस सीरीज का बात करते हैं इसका, तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी कोई मतलब ये एक मैग्मा है, मतलब ये समझ लीजिए मैग्मा अभी मेल्ट कंडीशन में, यहाँ पर कोई एक क्रिस्टल बन गया, अब ये क्रिस्टल बन गया, तो अब ये क्या कर रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो भी मैग्मा लिक्विड है उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने की वजह से ये क्रिस्टल तो है, मतलब इसमें फिर जो मॉडिफिकेशन होने के बाद और एक फिर मिलेगा क्रिस्टल, फिर ठीक है। अब ये क्रिस्टल बनने का जो भी फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैग्मा रहा उसके साथ फिर ये रिएक्ट करेगा। इस तरह प्रोसेस एक चलेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैग्मा के साथ रिएक्शन करते जाएगा, उसे ही हम बोल रहे हैं जोन स्ट्रक्चर। अब बस आपको इतना ही याद रखना है स्ट्रक्चर जो है इसका जोन स्ट्रक्चर, और ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको पूरा शॉर्ट में बता दिया। अगर किसी को इसको डिटेल में देखना है तो चैनल में अवेलेबल है अभी भी, आप जाके वहाँ पर सर्च कर सकते हो पेगमाटाइट, पेगमाटाइट जो कि बेसिक लेवल में, जहाँ पर हमने पूरा
जोन स्ट्रक्चर क्या है उसमें हमने अच्छे से डिफाइन किया, या फिर बाउंड रिएक्शन सीरीज भी प्लेलिस्ट है एक चैनल में, वहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूस सीरीज का अलग से सेपरेटेड वीडियो है, वहाँ पर आपको जोन स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में पूरा अच्छा से डिस्कशन हुआ हुआ है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बट फिर से मैं बोल रहा हूँ 12 के बेसिस पे इतना डेप्थ में जानने का जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आपको याद रखना है बस स्ट्रक्चर जो दिखाएगा पेगमाइट कौन टाइप का जोन स्ट्रक्चर दिखाएगा खत्म का। अगर जिसको जानना है डिटेल में वैसे चैनल में अवेलेबल है वीडियो, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब इसका मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन का बात करते हैं, तो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन जब भी हम देखते हैं तो हम उसे दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन जब भी हम देखते हैं मिनरल का कंपोजिशन, एसेंशियल मिनरल एंड एसेसरी मिनरल। अब एसेंशियल मिनरल का मीनिंग क्या है, जब भी कोई रॉक को आइडेंटिफिकेशन करना है तो वो जो मतलब एसेंशियल मिनरल ही हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अगर कोई रॉक में एसेंशियल मिनरल, जैसे हमने पेगमाइट में बोला पेगमाइट में एसेंशियल मिनरल जो है क्वार्ट्ज है आपको मिलेगा, मोस्कोबाइट और ऑर्थोक्लेस। अगर कोई भी रॉक में आपको ये तीन मिनरल मिलता है अगर तो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब 90% से ज़्यादा अमाउंट में, तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हो ये रॉक पेगमाइट है, ठीक है। तो ये मतलब कोई भी रॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी मिनरल हेल्प कर रहे हैं उसे ही हम बोल रहे हैं एसेंशियल मिनरल, ठीक है। बट जब बात करते हैं एसेसरी मिनरल का, तब इसका मीनिंग क्या है, एसेसरी मिनरल जो है रॉक आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प नहीं होता, ये बहुत माइनर अमाउंट में ट्रेस अमाउंट में मतलब प्रेजेंट रहता है, ठीक है। रॉक में अगर 95% अगर एसेंशियल मिनरल 5% ये रहते हैं, ठीक है। इनमें से भी कोई रहेगा कोई नहीं रहेगा ये कंपलसरी नहीं है कि सब रहेंगे, ठीक है। ये वेरी करता है नेचर के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, किस कंडीशन में, किस नेचर में, किस एनवायरनमेंट में ये मैग्मा क्रिस्टलाइज हुआ या फिर ये रॉक बना। तो हाँ, हमारे पास दो, मतलब जब भी हम मिनरल कंपोजिशन देखते हैं दो हमारे पास मिनरल रहते हैं, एक एसेंशियल और एसेसरी। अब एसेंशियल मिनरल इसमें क्या क्या है, क्वार्ट्ज है, मोस्कोबाइट है और ऑर्थोक्लेस है। अभी एक मिनरल्स आपको याद रखना है, अब मेनली ये एसेंशियल मिनरल्स, ओके, ये एसेंशियल मिनरल्स, ये आपको एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाएगा। और ये एसेंशियल मिनरल है किसका, पेगमाटाइट का। उसी तरह हमारे पास है एसेसरी मिनरल जो कि इतना मतलब माइनर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, तो ये तीन रहते हैं, टोपाज आप बोल सकते हो, टूरमालाइन और बेरिलो के, ये मिनरल रहते हैं एसेसरी मिनरल। अब देखते इसका मोड ऑफ ओकरेंस, सब कुछ तो हमने देख लिया, लास्ट जो है हमारे पास वो है मोड ऑफ ओकरेंस। अब मोड ऑफ ऑकरेंस मीनिंग क्या है, नेचर में किस कंडीशन में मिल रहा है, ठीक है। नेचर में कहाँ पर क्रिस्टलाइज हो रहा है, उसका किस टाइप में मतलब बिहेवियर रहेगा, ठीक है। कंटी रॉक के साथ यही सब चीज़ हम देखेंगे मोड ऑफ ऑकरेंस के अंदर। मोड ऑफ ऑकरेंस के अंदर जब भी देखते हैं तो इसे हम बोल रहे हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ऑब्वियसली जो रॉक प्लूटोनिक डेप्थ में फॉर्म हो रहा है, प्लूटोनिक डेप्थ में फॉर्म है पता कहाँ से चला, जब हमने इसका नेचर देखा तो वहाँ पर हमने देखा एसिडिक और प्लूटोनिक डेप्थ। अब प्लूटोनिक डेप्थ माने ये भी 20 किलोमीटर के बाद फॉर्म हो रहा है, 20 किलोमीटर के बाद फॉर्म होगा तो हम ऑब्वियसली इसे इंट्रूसिव बोलेंगे ही। अब इंट्रूसिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि अर्थ सर्फेस के नीचे बन रहा है और वो भी मतलब शैलो डेप्थ में नहीं, 20 किलोमीटर के बाद, मीन्स ऑब्वियसली हम इसे बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी, ठीक है। ये तो करेक्ट है, ठीक है। अब ये किस रूप में मिलेगा, अब डाइप के रूप में मिलेगा। अब डाइप क्या है, हमने देखा था जो भी रॉक बेड रहते हैं उसके साथ क्रॉस कट रिलेशनशिप दिखाएगा, जो भी मतलब मैग्मा क्रिस्टलाइज हो जाएगा इंट्रूड करके, ये रॉक बेड से इसमें इंट्रूजन हुआ मैग्मा का और ये क्रिस्टलाइज हो गया, तो इसे ही हम बोल रहे डाइप। और ये क्रॉस कट रिलेशनशिप दिखा रहा है, पैरेलल नहीं रहे, ठीक है, क्रॉस कर रहा है, मतलब ये ट्रांसग्रेसिव रिलेशन दिखा रहा है, इसीलिए हम बोल रहे डाइक। और डाइक के रूप में आपको पेगमाटाइट डिपॉजिट देखने को मिलेगा, उसके साथ ही वेन के रूप में, ठीक है। वेन क्या है, कोई भी रॉक में जब भी थोड़ा सा आपको फ्रैक्चर दिख रहा है, ये एक रॉक है, यहाँ पर आपको फ्रैक्चर दिख रहा है, तो ये क्या होगा ना, यहाँ पर आके ये भी डिपॉजिट होता है फ्रैक्चर में, ओके, इसे ही हम बोल रहे हैं वेन। जिसे हम ह्यूमन के बॉडी में वेंस में क्या मूव कर रहे हैं, मतलब वेंस में फ्लो क्या कर रहे हैं, ब्लड, ठीक है। अब ब्लड क्यों फ्लो कर रहे हैं वेंस में, ऑब्वियसली लिक्विड है, मतलब वेन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा होलो स्पेस है, इसी तरह रॉक में भी होलो स्पेस रहता है, वहाँ पर ये भी जाता है, ठीक है। मैग्मा जब मतलब अपवेलिंग कंडीशन में रहता है वो यहाँ पर आएगा, आने के बाद वो क्या होगा ना, मतलब क्रिस्टलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ही हम बोल रहे हैं वेन। और समटाइम्स अक्कर विद ग्रानाइट, ठीक है, कभी कभी आपको ग्रानाइट के साथ भी ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रानाइट के साथ ये भी क्रिस्टलाइज होता है मैक्सिमम टाइम पेगमाटाइट। अब ये था ऑल अबाउट पेगमाटाइट, कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, जो कि ये 12 के बेसिस पे था। अब जोन स्ट्रक्चर मैंने बोला, जोन स्ट्रक्चर तो आपको बस याद रखना है पेगमाटाइट दिखा रहा है, बट इसके ऊपर डिटेल में आपको नहीं जानना है, 12 के बेस में इतना कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली बीएससी के बेस में है, बट आप बीएससी के बेस में अगर जानना चाहते हो मतलब ज़्यादा तो अच्छी बात है, आप देख सकते हो वीडियो अवेलेबल है, बट नहीं भी जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको याद ये रखना है कि ये जोन स्ट्रक्चर दिखाता है। तो ये था ऑल अबाउट पेगमाटाइट, कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का नेक्स्ट और भी जो रॉक टाइप्स हम लेके आएंगे आप सबसे पहले उसे देख सकेंगे।